वर्ल्ड की करंट पॉपुलेशन अराउंड 7.9 बिलियन है, जिसमें से 56% लोग ऐसे हैं जो कि अर्बन एरियाज में रहते हैं और बाकी के बचे रूरल एरियाज में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 35% लोग ऐसे हैं अभी जो कि अर्बन एरियाज में रहते हैं फिलहाल। बट ताज्जुब करने की ये बात है कि ये जो 35% लोग हैं इंडिया में, वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हमारी GDP में अराउंड 63%। और आने वाले समय में ये एस्टिमेट किया गया है दैट बाय 2030 इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन अराउंड 40% होगी, और ये जो 40% पॉपुलेशन है वो हमारी GDP में अराउंड 75% तक कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। सो हमें ऐसा समझ सकते हैं कि अर्बन एरियाज हमारी इंडियन इकोनॉमी के कितने इंपॉर्टेंट पिलर हैं। बट जैसा कि आप जानते हो, हमारे अर्बन एरियाज की कैसी हालत है, मुंबई से लेकर दिल्ली तक, बेंगलुरु से लेकर कोलकाता तक, ये सारे अर्बन एरियाज कई सारी कॉमन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, लाइक हाई पोल्यूशन, हाई ट्रैफिक, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम एंड हाई एनर्जी कंजम्पशंस। सो यहाँ से देखने में लगता है कि ये सारी सिटीज बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए। सो हम करें क्या? यहाँ से बेटर सोल्यूशन ये बनता है कि हम इन सिंपल सिटीज को कन्वर्ट करें स्मार्ट सिटीज में। अब ये स्मार्ट सिटीज होती क्या है, ये कैसे इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगी, और फाइनली इंडिया में क्या स्टेटस है रिगार्डिंग स्मार्ट सिटीज, इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो बने रहिए टिल द एंड। आज 21st सेंचुरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटा। जितनी भी वर्ल्ड में टॉप एमएनसीज है लाइक गूगल, फेसबुक, अमेजोन, ये सारी कंपनीज केवल और केवल टिकी हुई है डेटा के ऊपर। सो हम 21st सेंचुरी के लिए एक फ्रेज कह सकते हैं दैट डेटा इज द न्यू ऑयल। और काफी हद तक ये स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट भी डेटा के थ्रू ही काम करता है। अब कैसे, आइए इसको समझ लेते हैं स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट के साथ। स्मार्ट सिटी वर्ड सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ ऐसी सिटीज जो स्मार्ट और ऑटोमेटेड होती हैं, उन्हें ही हम लोग कहते हैं स्मार्ट सिटी। आपका आइडिया सही भी है, बिकॉज स्मार्ट सिटी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड होती हैं, और जनरली ये बताया जाता है कि एक स्मार्ट सिटी काफ़ी हद तक इंटरकनेक्टेड होती है थ्रू IoT बेस्ड सेंसर्स। अब ये IoT बेस्ड सेंसर्स करते क्या हैं, तो बेसिकली हम इसको हर एक कोने में फिट कर देते हैं ऑफ एवरी सिटी, जिससे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं रियल टाइम पे, उनका डेटा कलेक्ट करके वो या तो एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचा देंगे या तो स्मार्ट डिवाइसेस को, जिससे जितनी भी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं उनको रियल टाइम पे सॉल्व किया जा सके। अब अगर आपको ये पूरा सिस्टम समझ में नहीं आया है तो आप इसको एक एनालॉजी से समझिए। एक तरफ आप ह्यूमन बॉडी को कंसिडर कीजिए और दूसरी तरफ सिटीज़ को। अब जैसे हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होता है हमारे मसल्स और बोन्स से, वैसे एक सिटी का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से। और जैसे हमारी बॉडी कनेक्टेड होती है थ्रू आर्टरीज एंड वीन्स, वैसी एक पर्टिकुलर सिटी कनेक्टेड होती है थ्रू रोड्स एंड रेलवेज। अब जैसे हमारी बॉडी में सेंसर्स होते हैं जो सारी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करके सीधे ब्रेन की तरफ पहुंचा देते हैं, जिससे ब्रेन रियल टाइम पर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, वैसी ही होती है स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज कनेक्टेड होती है थ्रू सेंसर्स जो सारा डेटा कलेक्ट करके सीधे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ पहुंचा देते हैं, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन रियल टाइम पर उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो जैसे हमारी बॉडी का सेंसर सिस्टम हमें स्मार्ट बना देता है, वैसे एक सिटी का सेंसर बेस्ड सिस्टम उसे स्मार्ट सिटी बना देता है। सो चलिए अब जान लेते हैं कि ये सेंसर बेस्ड स्मार्ट सिटीज कैसे अर्बन एरियाज में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। तो सबसे पहले अगर ट्रैफिक की बात करें, तो ट्रैफिक एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हर एक बंदे को फेस करना पड़ता है, एंड लिटरली नोबडी लाइक्स इट, बिकॉज सबसे पहले तो इससे प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है, फिर एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ऐसी ढेरों प्रॉब्लम अराइज होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। बट इसका सोल्यूशन क्या है? सो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट इसका बेसिक सोल्यूशन प्रेजेंट करता है, एंड दैट इज रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग। सो एक स्मार्ट सिटी में जितने भी सेंसर्स होते हैं वो सबसे पहले तो ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, और जो भी उन्हें ट्रैफिक का डेटा मिलता है वो सीधे एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेजते हैं, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन रियल टाइम पे ड्राइवर्स के मोबाइल एप्लीकेशन पे वो डेटा अपडेट कर पाए, जिससे या तो ड्राइवर्स को पता चल सके कि बेस्ट रूट क्या है गाड़ी चलाने का, या तो उन्हें पार्किंग लॉट मिल सके। बिकॉज ये मैं आपको बता दूं कि एस्टिमेट किया जाता है कि पार्किंग लॉट्स ना मिलने की वजह से अराउंड 30% ट्रैफिक बढ़ जाता है। और इसके अलावा अडैप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के थ्रू वो सारे IoT बेस्ड सेंसर्स रियल टाइम पे डेटा कलेक्ट करके ट्रैफिक सिग्नल्स को भी ऑटोमेट कर सकते हैं टू मेक बेटर डिसीजंस। सो ये तो बेटर सॉल्यूशंस थे जो स्मार्ट सिटीज प्रेजेंट करती हैं टू सॉल्व ट्रैफिक इश्यूज। आइए अब आगे बढ़ते हुए हम समझ लेते हैं कि स्मार्ट सिटीज के थ्रू हम हाई एनर्जी कंजम्पशंस और पोल्यूशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो जैसा कि आप जानते हो, रैपिड अर्बनाइजेशन होने की वजह से सिटीज पे एक्स्ट्रा बर्डन आता है
कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी होगी टू मीट द पीपल्स डिमांड। और कुछ रीसेंट डेटाज के अकॉर्डिंग ये एस्टिमेट किया गया है दैट 75% ऑफ टोटल एनर्जी इज जस्ट कंज्यूम्ड बाय सिटी। सो आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर सिटीज इतना ज़्यादा कंज्यूम करती हैं तो वो इन रिटर्न कितना ज़्यादा एमिशन करती होंगी दैट अल्टीमेटली लीड्स टू क्लाइमेट चेंज। सो हम इसके लिए करें क्या, कि हम एनर्जी कंज्यूम करना बंद कर दें? ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम कर सकते हैं एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी थ्रू स्मार्ट सिटीज। अब कैसे, आइए जान लेते हैं। स्मार्ट सिटी हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का एक नया कॉन्सेप्ट बताती है एंड दैट इज स्मार्ट ग्रिड। अब जैसे हमारे करंट सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन से हमारे घरों की तरफ पहुंचती है थ्रू पावर लाइंस, टावर्स एंड सबस्टेशंस, और इसी पूरे सिस्टम को जैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम। बट इस ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम में कई सारी दिक्कतें हैं, लाइक ये रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को सपोर्ट नहीं करता, मतलब यहाँ से जितनी भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो ज़्यादातर कोल बेस्ड ही होगी। और दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम है इसमें पावर आउटेजेस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं ड्यू टू डैमेज्ड वायर्स एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। तो अब हम जान लेते हैं कि कैसे हम इस इनएफिशिएंट सिस्टम को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं थ्रू स्मार्ट ग्रिड्स। स्मार्ट ग्रिड एक अपग्रेडेड वर्जन होता है ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम, जिसको बेसिकली बनाया जाता है बाय इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी विद ग्रिड। अब इसका बेसिक काम क्या होता है, ये बेसिकली कनेक्ट करता है कंज्यूमर्स और सप्लायर्स को, जिससे दो फायदे होते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर्स को रियल टाइम पे डेटा पता चलता है कि वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, और दूसरी बात सप्लायर्स भी इजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं कंज्यूमर से कि उन्हें किस टाइम पे और कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी चाहिए टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स एंड रिड्यूस द कॉस्ट। और इसके अलावा हम टेक्नोलॉजी और डेटा का यूज़ करके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं विद ट्रेडिशनल ग्रिड सिस्टम, जिससे फ़ायदा क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन काफ़ी हद तक कट हो जाएंगे। क्योंकि जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ट्रेडिशनल ग्रिड सिस्टम से वो आती है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से, जो कि एक मेजर सोर्स होते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन का। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि स्मार्ट ग्रिड का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट कैसे? तो जैसा हम पहले जान चुके हैं दैट स्मार्ट सिटी इज ऑल अबाउट सेंसर बेस्ड नेटवर्क। सो हम इन्हीं सेंसर्स का यूज़ करके सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि कहाँ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट होने की, जिससे हम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को ना पहुँचा के उसको रीरूट कर सकते हैं, एंड दैट विल अल्टीमेटली सेव्स अस कॉस्ट, टाइम एंड एनर्जी। सो ये तो हमने बात कर ली स्मार्ट ग्रिड की, जिससे हम पॉल्यूशन डिक्रीज कर सकते हैं, एनर्जी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अल्टीमेटली प्रोडक्शन कॉस्ट को भी डिक्रीज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया का क्या स्टेटस है रिगार्डिंग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स। सो 2015 में अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, हमारी सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत 100 डिफरेंट सिटीज को कन्वर्ट किया जाना था फ्रॉम अ सिंपल सिटी टू अ स्मार्ट सिटी। और इस पूरे मिशन के बजट अराउंड 200,000 करोड़ था, जिसको 6,100 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिवाइड किया गया टू मेक दिस मिशन इवन मोर सक्सेसफुल। अब अगर हम बात करें इस मिशन की डेडलाइन की, सो जो फर्स्ट राउंड में सिटी सिलेक्ट हुई थी उनकी डेडलाइन थी 2021, और जो लास्ट राउंड में सिटी सिलेक्ट हुई थी उनकी डेडलाइन थी 2023। फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हुई सिटीज़ की डेडलाइन ऑलरेडी पार हो चुकी है, और लास्ट राउंड में सिलेक्ट हुई सिटीज़ की डेडलाइन भी एक साल में पार होने वाली है। अब डेडलाइंस तो आ रही हैं और जा रही हैं, बट जो मिशन का अपडेट है वो अपडेट नहीं होता, बिकॉज ओनली 47% ऑफ द वर्क हैव बीन कंप्लीटेड टिल नाउ, और केवल 2 या 3 सिटीज़ ऑन 100 सिटीज़ में से जिनका 80% प्लस वर्क कंप्लीट हो पाया है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं जो स्मार्ट सिटी मिशन है हमारे लिए एक सपना बन चुका है, जिसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। सो आई होप आपको वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर द वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।